नमस्कार दोस्तों, हमें अपनी जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि झूठ बोलने से कभी कभी हमें इतना बड़ा नुकसान हो जाता है कि उसकी भरपाई करना मुश्किल है। हाथ में आया हुआ अच्छा मौका भी निकल सकता है। झूठ से आज तक किसी का भला नहीं हुआ। इसी संदर्भ में मैं आपको एक कहानी सुना रहा हूँ जिसका शीर्षक है झूठा तोता। जंगल में एक तोता रहता था। तोते को बढ़ा चढ़ा कर बातें करने का बहुत शौक था। वह सब पक्षियों के सामने अपनी डींगे मारता रहता था, बातों को बढ़ा चढ़ा कर कहता रहता था। एक दिन वह चिड़िया से कहने लगा, तुम्हें पता है चिड़िया, आज मैंने बहुत अच्छी दावत खाई है एक बड़े आदमी के घर। वो आदमी इतना अच्छा है कि मुझे रोज खाने के लिए अच्छी अच्छी चीजें देता है। चिड़िया सुनकर बहुत हैरान हुई और कहने लगी, क्या तुम सच बोल रहे हो? तोता बोलता है, भला मैं तुमसे झूठ क्यों कहूंगा। और ये कहकर तोता वहां से उड़ जाता है। तोता ऐसे ही सारे पशु पक्षियों के सामने डींगे मारता रहता था। किसी भी जानवर या पक्षी से मिलता था तो उसके सामने बड़ी बड़ी बातें करता था। ऐसे दिखाता था जैसे उसे किसी चीज की कमी नहीं है, उसके पास सब कुछ है, दुनिया का हर ऐशो आराम उस तोते के पास है। एक दिन की बात है, एक कबूतर तोते को ढूंढता फिर रहा था। वो सारे पशु पक्षियों से पूछ रहा था, तोता कहाँ है, तोता कहाँ है। सभी हैरान हो गए थे कि भला इस कबूतर को तोते से क्या काम होगा। तब एक पक्षी ने उससे पूछा, तोते से तुम्हारा क्या काम है? उसी वक्त तोता भी वहां आ गया और कहने लगा, तुम मुझे कैसे जानते हो, क्या तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? कबूतर ने बोला, हाँ हाँ पता है, असल में इतने मैं तुमसे बात करने आया हूँ। कबूतर ने जैसे ही मुंह खोला, तोते ने अपनी बकवास शुरू कर दी और बड़ी बड़ी फेंकने लगा उसके सामने। कबूतर को बोलने का मौका नहीं दिया, इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, ये दर्शा रहा था कि उसके पास सब कुछ है, और कबूतर देखता ही रहा, उसको बोलने का मौका ही नहीं मिला। जब तोता बोलते बोलते शांत नहीं हुआ, तब कबूतर वहां से जाने लगा और तोते से बोला, तोते भाई मैं एक शाही नौकर हूँ और मुझे तुम्हारी बातें सुनकर लगा कि तुम इस जंगल के सबसे अमीर पक्षी हो, तुम्हारे पास किसी चीज की कमी नहीं है। मैं तो आपको अपने राजा की तरफ से ये कहने आया था कि तुम महल में रहो, वहां पर काम करो, तुम्हें खाने पीने और हर ऐशो आराम मिलेगा, लेकिन मुझे लगता है तुम्हें इन सब की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पास तो पहले से ही सब कुछ है। तभी तोता रुका और कहा, रुको रुको, मेरे पास कुछ नहीं है। कबूतर बोला, अरे क्यों झूठ बोल रहे हो तोते भाई। फिर कबूतर ने तोते की एक बात नहीं सुनी। दोस्तों, इस कहानी को बोलने का मेरा लब्बो लुबाब यही है कि हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। क्या पता कोई अच्छा मौका झूठ बोलने की वजह से हमारे हाथ से निकल जाए और फिर हम जिंदगी भर अफसोस करते रहें, हमें जिंदगी भर पछताना पड़े। झूठ से आज तक किसी का भला नहीं हुआ है, झूठ से हमेशा नुकसान ही हुआ है। इसीलिए पुराने बुजुर्ग कहते थे, झूठ बोले कौवा काटे। तो उस पुरानी कहावतों के कुछ अर्थ थे, आप जरूर सोचिएगा। अपना बहुत ध्यान रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। धन्यवाद।